काफी दिनों से चल नहीं पा रहा था, तो व्हील चेयर पे बैठ करके मैं जा रहा था। अभी माशाल्लाह थोड़ा सा तकलीफ कम हुई है तो मैं अभी चल फिर सक रहा हूँ, लेकिन इसके वजह से ये रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हम टिकट निकाल करके इस पोजीशन में भी यात्रा करते हैं, अपना रोजगार कमाने जाते हैं, तो उनको हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे से भी कहीं ज़्यादा जो दिव्यांग मैं बैसाखी लेके तो चल पा रहा हूँ, वो बेचारे तो रेंगते हुए चलते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ उतर के चढ़ के जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग जल्द से जल्द सुनी जाए और हमारी तकलीफों को ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारी तकलीफें कम चाहे। अपने समीर खान साहब हैं जो इतना हम दिव्यांगों के लिए धड़पड़ करते हैं, इनके जरिए से ही मुझे व्हील चेयर मिली थी, जो इन्होंने मुझे मेरी हालत देखी, तकलीफ देखी और इन्होंने मुझे व्हील चेयर मुहैया कराई थी, इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दर्शकों सलाम आदाब नमस्ते, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको ले चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। दर्शकों आज मैं एम गेट में हूं और यहां पर देखिए जो है बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है और काफी लोग जो है हस्ताक्षर कर रहे हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं हस्ताक्षर, हम आपको बता दें, ये रेलवे विभाग के खिलाफ। बड़े हैरत की बात है, ये रेलवे विभाग के जो अधिकारी हैं पता नहीं क्यों अपने कान में तेल डाले बैठे हैं, चुप्पी साधे हैं, कहीं इनको दुश्मनी तो नहीं है मुमरा वालों से, या तो ऐसा तो नहीं है कि मुमरा में ज़्यादा मुसलमान हैं उनको तकलीफ दिया जाए। आपके दीवा में इसके लीडर है, कलवा में है, नाहूर में है, छोटे छोटे स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा, सीढ़ी की सुविधा प्रदान की गई है और लिफ्ट की सुविधा दी गई है, लेकिन 15 लाख वाले जो आबादी का शहर है मुमरा, यहाँ पर जो है ये सुविधा नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ के जो समाज सेवक हैं और राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, कई बार डीआरएम से मिले, मंत्रियों से मिले, दर्जनों लेटर दिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के मुमरा के लोगों को तकलीफ दी जा रही है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के जो रेलवे प्रशासन है कि जो बुजुर्ग हैं, माजूर हैं, विकलांग हैं, वो एक नंबर से बेचारे ट्रेन पकड़ के चले जाया करते थे, या मुंबई या उनको CST जाना रहता था, लेकिन एक नंबर प्लेटफार्म का भी हक छीन लिया गया उनसे। अब जो है दो नंबर और तीन नंबर पर उनको सीढ़ी जो है चढ़ करके, 50 सीढ़ी जो है चढ़ करके क्रॉस करके फिर उनको प्लेटफार्म पर जाना पड़ता है। कितनी जहमत होती है, कितनी तकलीफ होती है। हालांकि यहाँ से करोड़ों रुपए का फायदा है रेलवे विभाग को, लेकिन कोई जो है सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। ये जानबूझ के सरासर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि आज यहाँ पर जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी पब्लिक जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने हस्ताक्षर किया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्वचालित सीढ़ी लगाया जाए, लिफ्ट शुरू की जाए। अब देखो इसका असर होता है क्या, ये भी ठाए ठाए ठीक हो जाता है। मैं सुल्तान सदाकत अखबार, सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।